हाय गाइस, मैं हूं बिट्टू और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पैराडाइज कंप्यूटर। दोस्तों आज के इस वीडियो में कमांड की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके द्वारा जो है आप पता कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर या सिस्टम जो है किस किस नेटवर्क से कनेक्टेड है, किस किस नेटवर्क से आपका जो कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है, इस सारी जानकारी पता कर सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि अगर आपके कंप्यूटर में अगर कोई हैकिंग अटैक हो या कोई वायरस का प्रॉब्लम है या वायरस है करप्टेड है आपका सिस्टम या और भी बहुत सारी जानकारी जो इसमें प्राप्त कर सकते हैं इस कमांड प्रॉम्प्ट की सहायता से। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको सबसे पहले कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलिए कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए क्या करना है, आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को क्या करना है, आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन करना है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको विंडोज प्लस एक्सप्रेस करेंगे। विंडोज प्लस एक्सप्रेस करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आता है, अगर विंडोज 8 या विंडोज 10 आप यूज करें तो इस तरह से। और यहां से आपको कमांड प्रॉम्प्ट एडमिन होगा, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यस नो का ऑप्शन मांगेगा, आपको यस कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करके यस कर दिए तो आपको इस तरह का विंडोज ओपन हो जा रही है। कमांड प्रॉम्प्ट का रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ विंडोज शो कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट। आपको इसमें जो कमांड टाइप करना है वो मैं बताता हूँ, इस तरह से कमांड टाइप करना है। इसमें आपको पहले टाइप करना है नेट स्टेट NETSTAT, नेट स्टेट यानी नेटवर्क स्टैटिस्टिक्स, यानी सारे नेटवर्क किन किन नेटवर्क से सारे नेटवर्क का पता इसमें आपको बताएगा। इसके बाद आपको सिंपली स्पेस देना है, स्पेस देने के बाद क्या करना है आपको डैश देना है। डैश देने के बाद क्या करना है, अब यहाँ टाइप करना है ए, यानी जितना भी ऑल नेटवर्क है यानी जितने भी नेटवर्क से कनेक्टेड है ये इसके लिए ए हो गया। इसके भी यानी जिन जिन एप्लीकेशन से कनेक्टेड है, जिन जिन एप्लीकेशन का उपयोग किया गया है सारे इसमें दिखाएगा। और यानी कि एफ जो हो गया जितने भी DNSS एड्रेस उस सारे एप्लीकेशन का, उस सारे ब्राउजर का, जिस सारे नेटवर्क का जो भी DNSS है, ये DNS एड्रेस यानी सारा का सारा जो भी एरिया है, जो भी URL है, चाहे जो भी वेबसाइट है, इन सारे का नेटवर्क का जो है डिटेल्स में आपको बता देंगे। इस बार टाइप करने के बाद इंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो है बहुत सारे लिस्ट आपको नजर आ जाएगा कि किन किन नेटवर्क से जो है आपका कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, किन किन वेबसाइट से कनेक्टेड है, कौन कौन से सिस्टम से कनेक्टेड है, ये सारे है, या किस किस ID से जो आपका कनेक्टेड है, ये सारा जो आपको इसमें शो कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम जो भी आप यूज करते हैं कि किस किस सर्वर से, किस किस वेबसाइट से कनेक्टेड है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में आपको मतलब इस कमांड से जो आपको पता चल जाएगी। तो हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों